कोई शक हो गर मुझ पे तो पूछ लेना मुझसे, मुझसे बेहतर मेरा राजदार और कोई नहीं। आप क्या हैं और कैसे हैं यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार की आप जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह आपसे भली भांति कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं को भली प्रकार से जानता और समझता है, और अपनी इन क्षमताओं को सिद्ध करने के लिए कभी कभी इंसान को बगावत का रास्ता भी चुनना पड़ता है, बगावत औरों से भी और खुद अपने आप से भी। आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने घर में विरोधों के बावजूद बिल्कुल विपरीत माहौल से निकलकर फिल्मी दुनिया में न सिर्फ अपनी एक विशेष पहचान बनाई, बल्कि करियर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचकर एक ऐसी जद्दोजहद से निकलकर वापस उसी मुकाम को हासिल किया जिससे निकल पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। फिल्मी दुनिया की ये शख्सियत कोई और नहीं, अभिनेता, निर्माता और सफल राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना है, जिन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व, विशेष अंदाज और दमदार अभिनय से अपने दौर के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपनी एक अलग पहचान तो बनाई ही, साथ ही साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार के रुतबे को अपने अभिनय और प्रसिद्धि से हर वक्त एक सीधी चुनौती भी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला बॉलीवुड फैमिली, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे 70 और 80 के दशक के महान एक्टर, निर्माता और पॉलिटिशियन विनोद खन्ना के परिवार के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक और अनसुने किस्सों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस परिवार के हीरो यानी खुद विनोद खन्ना से। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वह विभाजन का वक्त था, और इसी वजह से उनका परिवार भी 1947 में हुए उस विभाजन के बाद पेशावर से महाराष्ट्र के नासिक में आ गया। विनोद की स्कूली शिक्षा नासिक के ही एक बोर्डिंग स्कूल में पूरी हुई। विनोद साइंस के स्टूडेंट थे और पढ़ाई के बाद इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन उनके पिता जो कि एक बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे कि वो कॉमर्स लें और पढ़ाई के बाद घर के बिजनेस से जुड़े। इसलिए स्कूलिंग के बाद उनके पिता ने उनका एडमिशन वाणिज्य विषय से वहीं के सिद्धेहम कॉलेज में करवा दिया, जहां विनोद ने वाणिज्य यानी कॉमर्स से स्नातक तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। बचपन में बेहद शर्मीले विनोद से स्कूल के दौरान जब उनके टीचर ने एक नाटक में अभिनय करवाया, तो उन्हें अभिनय में विशेष रुचि होने लगी, और पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी, और इन फिल्मों का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अभिनय को ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। इसी बीच एक पार्टी में उनकी मुलाकात महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त जी से हुई, जो उस वक्त अपने होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म मन का मीत में अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च कर रहे थे, और इस फिल्म में विलेन के किरदार के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। विनोद की ऊंची कदकाठी और विशेष अंदाज से सुनील दत्त इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने वह रोल उसी वक्त विनोद को ऑफर कर दिया। दोस्तों, विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, लेकिन विनोद भी अपनी जिद पर अड़ गए। उनकी इस बगावत और जिद के आगे आखिरकार उनके पिता को झुकना ही पड़ा। उन्होंने विनोद को मात्र 2 साल का समय दिया, इस शर्त के साथ कि अगर सफल नहीं हुए तो 2 साल के बाद उनके व्यापार में विनोद को हाथ बटाना ही पड़ेगा। विनोद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ इस शर्त को माना, बल्कि इन 2 सालों में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान भी बना ली। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन का मीत से एक विलन की भूमिका से की। हालांकि दत्त साहब की इस फिल्म में उनके भाई सोम दत्त जी को बतौर हीरो लॉन्च किया गया था, उन्हें तो कोई खास पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन विनोद के काम को लोगों ने खूब सराहा। कहा जाता है कि इस फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते में ही विनोद ने करीब 15 फिल्में साइन की थी। विनोद ने उसके बाद आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में काम किया। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने एक डाकू की दमदार भूमिका निभाकर हर किसी को अपने अभिनय से प्रभावित किया। दोस्तों, विनोद जितना विलेन के रूप में पसंद किए गए, उसे कहीं ज्यादा वो हीरो के रूप में भी सफल रहे। कई फिल्मों में सहायक और खलनायक के किरदारों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद उन्होंने वर्ष 1971 में बतौर नायक फिल्म हम तुम और वो से नई शुरुआत की। वो फिल्म तो औसत ही रही, लेकिन बतौर नायक उनके काम को खूब पसंद किया गया। वर्ष 1971 विनोद के करियर के लिए बेहद खास रहा। उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा, गुलजार की फिल्म मेरे अपने में अपने सशक्त अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया, और बतौर नायक अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान भी पक्का कर लिया। उस वर्ष उन्होंने तकरीबन 10 फिल्मों में काम किया। वर्ष 1973 में गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म अचानक में भी उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई। खलनायक से नायक बने विनोद को मल्टी स्टारर फिल्मों से भी कभी किसी तरह का परहेज नहीं रहा। उन्होंने उस दौर के स्टार अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि दिग्गज कलाकारों के साथ कई फिल्मों में काम किया। अमिताभ
बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी वाली कई फिल्में हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर आदि सुपर डुपर हिट हुई। दोस्तों, एक कड़वा सत्य यह भी है कि सफलता को पाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना शायद और भी ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ विनोद खन्ना के साथ भी हुआ। ऐसा नहीं था कि वो अपनी सफलता से बहुत घमंडी हो गए थे या वो किसी तरह की मनमानी करने लगे थे। दरअसल एक तरफ वो अपनी माँ के देहांत के बाद अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे थे और दूसरी तरफ वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच सामंजस्य न बिठा पाने से हर वक्त बेचैन से रहने लगे। जीवन की इस उलझन को सुलझाने के साथ साथ स्वयं की खोज और शांति की तलाश में उनका झुकाव धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ होने लगा। सफलता की ऊंचाई पर होने के बावजूद वर्ष 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक एक फैसला ले लिया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई। विनोद अचानक ग्लैमर की दुनिया छोड़ रजनीश यानी ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम चले गए। आश्रम में उन्होंने बर्तन धोने से लेकर माली तक का काम किया। कुछ वर्ष बाद ही फिल्मों के प्रति उनके प्यार ने उन्हें फिर से फिल्मों में वापस आने को मजबूर कर दिया और वर्ष 1987 में उन्होंने फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में वापसी भी कर ली। उन्होंने अपने अभिनय की दूसरी पारी भी सफलतापूर्वक खेली। हालांकि जब तक वो लौटे फिल्मों का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। कुछ सालों तक बतौर नायक काम करने के बाद विनोद धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गए जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 144 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्मों में उनके 30 वर्ष से भी ज्यादा के समय के योगदान के लिए वर्ष 1999 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनके बेहतरीन अभिनय के लिए वर्ष 2018 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके मरणोपरांत मिला था। दोस्तों, विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा एक फिल्म निर्माता और एक सफल व सक्रिय राजनेता भी थे। वर्ष 1997 और 1999 में वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भाजपा की ओर से सांसद चुने गए, जबकि 2002 में वो संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसके बाद सिर्फ 6 माह पश्चात ही उनको अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया था। 27 अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने के कारण मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में विनोद खन्ना का निधन हो गया। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं विनोद खन्ना के परिवार के अन्य सदस्यों पर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे उनके पिताजी के बारे में। विनोद खन्ना के पिता का नाम श्री किशन चंद खन्ना था। किशन चंद जी एक बिजनेसमैन थे। उनका टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था और वो चाहते थे कि विनोद भी उनके बिजनेस को सीखें और इसी क्षेत्र में करियर बनाएं। दोस्तों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की फिल्म के ऑफर के बारे में बताया तो उनके पिता खुश होने के बजाय इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने विनोद पर बंदूक तान दी और कहा कि यदि उन्होंने फिल्मों में काम करने की बात सोची भी तो वो उन्हें गोली मार देंगे। हालांकि बाद में वो किसी तरह मान गए। विनोद खन्ना की माँ का नाम श्रीमती कमला खन्ना था जो कि एक गृहिणी थी। विनोद अपनी माँ के बहुत करीब थे और लाडले भी। जब विनोद खन्ना के पिता ने विनोद के फिल्मों में जाने पर अपनी नाराजगी जताई तो कमला जी ने ही उनके पिता को समझाया था। उन्होंने ही विनोद को इस बात के लिए राजी किया था कि उन्हें विनोद को एक मौका जरूर देना चाहिए। उनका यही विश्वास और स्नेह विनोद के एक सफल अभिनेता बनने की ताकत बना। आइए बात कर लेते हैं विनोद खन्ना के गृहस्थ जीवन के बारे में। विनोद खन्ना ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी वर्ष 1971 में अपने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से की थी। गीतांजलि एक मॉडल भी रह चुकी हैं। कॉलेज के दौरान उन्होंने एक साथ थिएटर में भी काम किया था। हालांकि उस वक्त विनोद की कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थीं, लेकिन गीतांजलि को लेकर विनोद काफी सीरियस थे और वर्ष 1971 में उन्होंने शादी कर ली। विनोद खन्ना और गीतांजलि ने कई सालों तक एक सफल वैवाहिक जीवन गुजारा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें तलाक लेना पड़ा। दरअसल इस तलाक की एक खास वजह थी। बात उस वक्त की है जब विनोद को अमिताभ के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था और उनकी फिल्में सुपर हिट होने लगी थीं, लेकिन वो फिल्मों और ग्लैमर से अपना मुंह मोड़ने लगे थे। एक दिन अचानक वर्ष 1982 में एक कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया, जबकि उसी दौरान उनकी फिल्म कुर्बानी सफलता के झंडे गाड़ रही थी। ऐसे में विनोद अपने करियर को छोड़ ओशो के आश्रम चले गए और विनोद के इस अचानक लिए हुए फैसले से गीतांजलि को बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिका में स्थित ओशो के आश्रम से विनोद अक्सर फोन पर बच्चों से बात करते, लेकिन गीतांजलि और उनके बच्चों के साथ साथ हर किसी को विनोद का यह निर्णय बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और स्वार्थपूर्ण लगा। विनोद और गीतांजलि के रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि रिश्ते फोन पर तो चल नहीं सकते। नतीजन वर्ष 1985 में गीतांजलि ने विनोद से तलाक ले लिया। 15 दिसंबर 2018 को 70 वर्ष की आयु में गीतांजलि खन्ना जी का देहांत हो गया था। विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी का नाम है कविता दफ्तारी। कविता जी से विनोद खन्ना की मुलाकात और उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। कविता से विनोद खन्ना की मुलाकात वर्ष 1988 में एक पार्टी के दौरान हुई थी। कविता से वो इतने आकर्षित हुए कि पार्टी से जाने के बाद उन्होंने दोस्तों से कविता के बारे में जानकारी ली और उनका फोन नंबर लेकर कॉल किया।
दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होने लगी। विनोद ने कविता से मिलने की इच्छा जताई तो कविता ने उन्हें एक पार्क में उस वक्त बुलाया जब वो जॉगिंग के लिए जाती थी। एक दूसरे को समझने के बाद विनोद का कविता के घर आना जाना भी शुरू हो गया। एक दिन विनोद बैडमिंटन खेलकर पसीने में लथपथ कविता के घर पहुंचे और उनसे शादी के बारे में उनकी राय पूछी। कविता ने जवाब में कहा कि उन्हें भी अच्छे पार्टनर की तलाश है। विनोद खन्ना ने उसी वक्त कविता से पूछ लिया कि क्या वह उनसे शादी करेंगी। कविता ने भी देर न करते हुए तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया। वर्ष 1990 में विनोद खन्ना और कविता ने शादी कर ली। हालांकि कविता और विनोद की उम्र में 16 साल का फासला था, लेकिन कहते हैं ना कि जब रिश्तों में आपसी समझ हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। उनका यह विवाह सफल रहा। कविता विनोद के राजनीतिक कार्यों में उनके साथ भी सक्रिय रही और उनके जाने के बाद भी। आइए बात करते हैं विनोद खन्ना की अगली पीढ़ी यानी उनके संतानों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विनोद और गीतांजलि के बेटों अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के बारे में। विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना एक अभिनेता हैं, साथ ही साथ वो एक वीजे यानी वीडियो जॉकी भी रह चुके हैं। राहुल खन्ना ने 1994 में MTV एशिया के साथ एक वीजे के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और अपने इस प्रोफेशन की वजह से पूरे एशिया में उनकी एक खास पहचान बन गई थी। उन्होंने वर्ष 1998 में आमिर खान और नंदिता दास अभिनीत दीपा मेहता की फिल्म अर्थ से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की थी। राहुल खन्ना समय समय पर कुछ चुनिंदा फिल्मों में सशक्त भूमिकाओं में नजर आते रहते हैं। उनके द्वारा अभिनीत कुछ फिल्म ऐलान, रकीब, दिल कबड्डी, वेकअप से डादी प्रमुख हैं। विनोद खन्ना के दूसरे बेटे अक्षय एक जाने माने अभिनेता हैं, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं। फिर भी बात जब विनोद खन्ना के परिवार की हो तो उनका एक संक्षिप्त परिचय होना लाजमी है। अक्षय ने अपने करियर की शुरुआत साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से की थी। इस फिल्म को तो औसत सफलता मिली, लेकिन उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। उसके बाद उनकी दिल चाहता है, बॉर्डर, ताल, हमराज, हंगामा और ढिशुम जैसी ढेरों फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अक्षय ने अपने 23 साल के करियर में लगभग 50 फिल्मों में हर तरह के रोल किए और वो आज भी सक्रिय हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद अक्षय ने अभी तक शादी नहीं की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता की संतानों के बारे में। दोनों से एक बेटा साक्षी खन्ना और एक बेटी श्रद्धा खन्ना है। साक्षी के बारे में कम लोग ही जानते हैं। वर्ष 2011 में साक्षी खन्ना एक बार चर्चा में तब आए थे जब पुलिस ने उन्हें एक रेव पार्टी में शामिल होने और वहां ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 2015 में साक्षी बाजीराव मस्तानी के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। उसी दौरान यह चर्चा भी हुई थी कि संजय लीला भंसाली साक्षी खन्ना को अपनी किसी फिल्म से लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन वर्ष 2017 में पिता विनोद खन्ना की मृत्यु के बाद साक्षी ने फिल्मों से एक दूरी बना ली। बात करते हैं विनोद खन्ना की इकलौती बेटी श्रद्धा खन्ना की। श्रद्धा लाइमलाइट से दूर एक साधारण जीवन जीने में विश्वास करती हैं। हालांकि वो विनोद खन्ना जी के पॉलिटिकल करियर में उनका बराबर सहयोग करती रही हैं। विनोद खन्ना अपनी बेटी श्रद्धा को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी कैंसर जैसी बीमारी को भी काफी दिनों तक छिपाए रखा ताकि श्रद्धा को दुख न पहुंचे। विनोद खन्ना के एक भाई और 3 बहनें हैं। उनके भाई का नाम प्रमोद खन्ना है और वो एक निर्माता और अभिनेता हैं। हालांकि प्रमोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म वर्ष 1974 में आई द चीट थी, जिसमें विनोद खन्ना, मौसमी चटर्जी और बिंदु ने अभिनय किया था। प्रमोद जी का चेहरा विनोद खन्ना से काफी मिलता जुलता होने की वजह से सलमान खान की दबंग 3 में उन्हें विनोद खन्ना वाला रोल दिया गया और इस वजह से वो काफी चर्चित भी हुए थे। विनोद खन्ना की 3 बहनें हमेशा फिल्मी दुनिया और लाइमलाइट से दूर अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहीं। उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।